मेरे इस नए ब्लॉग में स्वागत है। और आप सभी लोग कैसे हैं? सभी लोग अच्छे होंगे और हमेशा भगवान से यही कामना करते हैं कि आप लोग स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए। तो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में आप लोग देख पाएंगे कि मैं आज की शूटिंग करने के लिए कहाँ जाने वाली हूँ, क्या करने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा और जितना हो सके इस वीडियो पर आप लोग प्यार दीजिए। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलिए हम आपको बताते हैं कि आज मैं कहाँ कहाँ गई हूँ और क्या क्या करने वाली हूँ। तो गाइज, अब मैं घर से निकल चुकी हूँ और इस वक्त आधे रास्ते में हूँ, आधे से भी ज़्यादा रास्ते पहुँच गई हूँ और अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि आज मैं कहाँ जाने वाली हूँ। तो आप ये सीन देख करके अंदाजा लगाइएगा कि अगर आप पटना से हैं तो जरूर आप यहाँ पर एक न एक बार आए होंगे, और अगर नहीं भी आए हैं तो कोई बात नहीं। चलिए हम आपको बताते हैं कि आज हम शहीद वीर कुंवर सिंह आज़ादी पार्क में आए हैं और ये पार्क। तो गाइज, ये बहुत बड़ा पार्क तो नहीं है, छोटा सा ही पार्क है, लेकिन शूट करने के लिए काफी अच्छा पार्क है। तो मैं टिकट लेकर के एंट्री कर चुकी हूँ और ये रहा हरे हरे पार्क में लाल लाल फ्लावर, और मुझे इसका नाम नहीं पता है। अगर आप लोग को इसका नाम पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा ताकि मुझे भी इसका नाम पता चले। वैसे देखने में तो ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, और अगर आप लोग को भी खूबसूरत लग रहा है तो आप लोग जरूर बताइएगा इसका नाम क्या है। ये तो आप लोग जरूर ही बताना, क्योंकि मुझे नहीं पता है और मैं जानना चाहती हूँ। काफी खूबसूरत खूबसूरत यहाँ पे फ्लावर्स है और सूरजमुखी का तो ढेर लगा हुआ है। साथ ही यहाँ पे इतना ज्यादा सूरजमुखी है कि मैं आपको बता नहीं सकती कितना ज्यादा यहाँ पे पीला पीला और खूबसूरत सा लग रहा है। तो गाइज, फाइनली वो यही पार्क है जहाँ आज मैं शॉर्ट्स की शूटिंग करने वाली हूँ, क्योंकि हर दिन मैं अलग अलग जगहों पर शूट करती हूँ और आज भी अलग जगह पर शूट करने वाली हूँ। तो इस पार्क में मैं आज पहली बार आई हूँ, इससे पहले मैं कभी भी नहीं आई थी। और अभी सुबह का टाइम है तो उस तरफ धूप बहुत ज़्यादा है और इस तरफ थोड़ा सा छांव है, तो मैं छांव में आई हूँ और यहीं पे शूट करती हूँ। उसके बाद हो सके तो मैं आपको पूरा व्यू यहाँ का दिखाऊँगी कि ये पार्क यहाँ का कैसा है, कैसा दिखता है। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तो अभी के टाइम में इतना ज़्यादा गर्मी है तो मुझे कहीं ना कहीं पेड़ के छांव में आकर के सच में बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा था, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बहुत बड़ा बड़ा वृक्ष है जिसको लेकर के गर्मी का बहुत ज़्यादा एहसास नहीं होता है। लेकिन हाँ, ठहरने के लिए तो ये बहुत ही अच्छी जगह है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे अगर आप शूट कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इतना ज़्यादा हरा पेड़ पौधा को लेकर के आपका वीडियो पूरा येलोइश टाइप का बनेगा और मुझे वैसा लुक नहीं चाहिए था। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी कि मैं किधर जाऊँ। तो मुझे फाइनली एक दो नज़ारा ऐसा मिला कि जहाँ पर मैं शूट कर सकती हूँ, लेकिन मुझे वो भी पसंद नहीं आया। तो चलिए हम आपको और भी आगे दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या होने वाला है।
तो गाइज ये सब सीन है, तो यहाँ तो मैं जा नहीं सकती हूँ क्योंकि ये बच्चों का झूला वगैरह है। तो यहाँ बच्चे जो भी आएंगे इस पार्क में वो इस झूले पे झूलने के लिए जाएंगे। मैं बच्ची तो हूँ नहीं कि इस झूले पर जाऊँ, पता चलेगा कि मैं गई और झूला टूट गया। और यहाँ पे दूसरा लोकेशन ये है, तो चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो बनाने का ट्राई करते हैं। तो गाइज चलिए इस वाले लोकेशन पे थोड़ा सा ट्राई करें, देखते हैं कि कैसा बनता है यहाँ पे शॉट। लोकेशन सही लग रहा है पर पता नहीं कैसा बनेगा यहाँ पे, फिर भी ट्राई करते हैं एक बार। वीडियो अच्छा बने या ना बने पर ये सब देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला सीन मुझे बहुत ही क्रिएटिव लग रहा है। और दोस्तों आप लोग को कैसा लग रहा है आप लोग जरूर ही बताइएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। आज लग रहा है मेरा शॉर्ट्स नहीं ही बन पाएगा क्योंकि धूप बहुत ज्यादा है और सर पे डायरेक्ट लग रहा है। और यहाँ का भी लोकेशन तो सही है गाइस, लेकिन वीडियो उतना अच्छा बन नहीं रहा है। कुछ एक दो लोकेशन है जो यहाँ पे सही लग रहा है, बट शाम के टाइम में मेरे ख्याल से यहाँ पे अच्छा वीडियो बनता, लेकिन मेरे पास शाम को टाइम है नहीं, तो मैं दिन को ही वीडियो बनाने आई हूँ सुबह को। और 10 बजे रहा है, अभी सुबह हो रहा है। देखिए लोकेशन तो बहुत ही अच्छा है, ब्लॉग के माध्यम से ही आप लोग को दिखा देते हैं लोकेशन। इधर का लोकेशन अच्छा लग रहा है। और देखिए यहाँ पे वीर कुंवर सिंह के बारे में कुछ बातें की गई है क्योंकि ये पार्क भी शायद उन्हीं के नाम से है, सॉरी मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाई। और वीर कुंवर सिंह पार्क ही था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। और ये वीर कुंवर सिंह जी का स्टैचू है। गाइज मुझे लगता है ये यहाँ का मेन लोकेशन है क्योंकि जिनके नाम से ये पार्क है उनका स्टैचू यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये यहाँ का पक्का मेन लोकेशन है। हाँ यही मेन लोकेशन है। और चलिए और भी हम आपको आगे दिखाएंगे यहाँ का सीन, तब तक आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइज एक गलती के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा एहसास हो रहा है कि मैं इस पार्क में आई और मुझे ढंग से पार्क का नाम नहीं पता था, जबकि मुझे अभी याद आ रहा है कि इस पार्क का नाम वीर कुंवर सिंह जी के ही नाम से है। तो दोस्तों आई एम रियली सॉरी कि मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर दी, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छे राजा थे और उनके अंदर देशभक्ति भी कूट कूट के भरी थी। तो इनके जैसे महान आदमी को इग्नोर तो नहीं करना चाहिए, हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। भले हम यहाँ पर शूट करने आए वो अलग बात है, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज की बात भी होनी चाहिए। और वीर कुंवर सिंह जी को मैं सॉरी बोलती हूँ। और इनका स्टैचू बहुत ही प्यारा लग रहा है और इस पार्क का सबसे खूबसूरत नज़ारा ही यही है। यहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। और चलिए वो मुझे जो वाइट वाइट वहाँ पे बना हुआ है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, झोपड़ी टाइप का जो बना हुआ है, वहीं पर हम चलते हैं, वहीं पर वीडियो शूट करेंगे क्योंकि इस जगह पे मुझे करना नहीं था। ये जगह तो बहुत ही अच्छा है, बहुत। गाइस फाइनली जगह ना मिलते मिलते भी जगह मुझे मिल ही गई और लास्ट में मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स की शूटिंग कर ली। और बहुत सारे शॉर्ट्स मैं शूटिंग कर चुकी हूँ, आप लोग मेरे शॉर्ट्स में जा करके देख सकते हैं। और मैंने ब्लॉग से पहले ही शॉर्ट्स अपलोड कर दिए हैं। तो गाइस जगह नहीं मिलते मिलते भी बहुत ही अच्छा जगह मुझे मिल गया। यहाँ पे लोग भी ज्यादा नहीं थे और बहुत शांत भी यहाँ का माहौल है और मैं सब कुछ बहुत ही अच्छे से कर पाई। तो थैंक यू सो मच। एंड चलिए आगे हम आपको दिखाते हैं कि आगे क्या करने वाले हैं। तो हो सकता है तो मुझे भूख लगी है तो यहाँ से मैं जाऊँगी, कुछ खाऊंगी और उसके बाद वापस घर जाऊँगी। तो ठीक है, जुड़े रहिए आप हमसे, आगे और भी दिखाते रहते हैं। तो गाइस फाइनली मैं रेस्टोरेंट में आ चुकी हूँ और ये वीर कुंवर सिंह पार्क कैंटीन है, देख सकते हैं आप। ये रहा इस पार्क का कैंटीन जिसका नाम ही है वीर कुंवर सिंह पार्क कैंटीन। और इसमें हम जाकर के देखते हैं कि इसमें क्या क्या मिल रहा है। तो चलिए इस यहाँ पे ये टेबल और चेयर्स लगे हुए हैं, तो यहाँ जाके हम सबसे पहले बैठ जाएंगे और फिर हम थोड़ा सा मेन्यू चेक करेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या क्या मिल रहा है। तो मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लग गई थी दोस्तों, तो मैं पानी ली और पानी पी, ठंडा ठंडा पानी पी करके मुझे बहुत सुकून मिला क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी में कोई काम कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। Oh, 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 oh
फाइनली मेरी शूटिंग खत्म हो चुकी है और मैं वापस जा रही हूँ। और रेस्टोरेंट पे मैं गई थी बट वहाँ पे मैं सिर्फ पानी ही पी हूँ और बाहर जाकर के कुछ खाऊंगी क्योंकि पार्क का रेस्टोरेंट है तो उतना अच्छा खाना भी नहीं रहता है और टेस्ट वगैरह कुछ रहता नहीं है, पैसा तो इतना ही लग जाता है तो बाहर में ही खा लूँगी और जा रही हूँ आप तो चलिए और फिर रेस्टोरेंट में जाएंगे तो हम आपको दिखाते हैं कि क्या खाने वाली हूँ आज। तो जुड़ी रही आप हमसे। पार्क में जो रेस्टोरेंट था वो मुझे खास पसंद नहीं आया क्योंकि उस कैंटीन में ज़्यादातर फास्ट फूड था और अभी सुबह का टाइम है तो फास्ट फूड खाना मेरे ख्याल से सही नहीं होता। तो मैं दूसरे रेस्टोरेंट में आ चुकी हूँ और यहाँ मैं मेन्यू में सोच रही हूँ कि मैं क्या ऑर्डर करूँ। तो यहाँ पर बहुत सारा चीज़ मुझे बिरयानी दिखा और भी बहुत सारा रोटी वगैरह और नॉन वेज वेज सारे ही तरीके का यहाँ पर आइटम्स थे। तो मैं सोची कि मैं क्या मंगाऊं, फिर फाइनली मैं बिरयानी ऑर्डर कर दी। और इस वक्त इस रेस्टोरेंट में बहुत ही ज़्यादा भीड़ नहीं है तो मुझे भीड़ वाला रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा पसंद भी नहीं आता है तो मैं खाली में ही आती हूँ और जहाँ देखती हूँ कि भीड़ बहुत कम हो मैं वहाँ जाना पसंद करती हूँ, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ मुझे पसंद नहीं है। तो गाइस मैं बिरयानी ऑर्डर कर दी और उसके बाद अभी भी मैं सोच रही थी कि मैं क्या मंगाऊँ। तो गाइस फाइनली मेरा बिरयानी आ चुका है और ये बिरयानी है और इसके साथ में मिला है मुझे रायता और सलाद। तो दोस्तों ये खाना सही रहेगा अभी के टाइम में क्योंकि फास्ट फूड हमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। और गाइस यहाँ से खाना खाने के बाद मैं गई डिज्नीलैंड और वहाँ जाके मैं ये फलूदा वगैरह, मतलब फलूदा नहीं, यहाँ पे देखिए ये क्या है, आइस गोला है, तो मैं वो थोड़ा मतलब दो ली और एक मैं ली, एक मैं अपने फ्रेंड को दे दी। तो गाइस इसके बाद मैं वापस से घर चली गई। तो वीडियो को यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं दोस्तों और जितना हो सके इस वीडियो पर आप लोग अपना प्यार दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, भर भर के कमेंट्स कीजिए। और अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप लोग सब्सक्राइब ही कर लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, अगले दिन का ब्लॉग फिर हम आपके सामने लेकर के आएंगे। अगले दिन कहाँ जाने वाले हैं अगर आप उस ब्लॉग के इंतज़ार में हैं तो आप ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही आइस गोला जो है दोनों आप लोग के लिए भी है, आप लोग इसका टेस्ट लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।